हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन नेक्स्ट 50 MCQs पे है और ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी स्टूडेंट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए ये सेशंस बहुत रेलेवेंट है। हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी 50 MCQs डिस्कस किए थे जो कि सीरीज़ का पार्ट था और आज अगेन 50 MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ बिजनेस इज बेसिकली इंटेंडेड टू Make sure all business units have the opportunity to be successful. No. Warn consumers against unfair business practices. No. Make sure business firms are socially responsible. No. Protect the public from the negative consequences of business behavior. Yes. अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करें तो उनका मोटिव यही होता है कि वो पब्लिक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बाकी हर चीज़ के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन पहले से बनाई गई है। नेक्स्ट, what is not the advantage of SEZ, that is a special economic zone? Improvement of infrastructure in the hinterland, diversion of large trades of farmland. करेक्ट आंसर होगा बी कि डाइवर्जन ऑफ लार्ज ट्रेड। ये एडवांटेज नहीं है SEZ का। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी एडवांटेज है। विच टाइप ऑफ कंप्लेंट्स आर नॉट टू बी एंटरटेन बाय कंज्यूमर फोरम्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट परचेज्ड 1.5 years बैक, ये तो एंटरटेन किया जाता है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट भी किया जाता है, बट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सर्विस प्रोवाइड की गई तो उसके लिए फिर आप कंज्यूमर फोरम में नहीं जा सकते। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ WTO प्रोसीजर टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन? प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, रिडक्शन ऑफ बजेटरी सब्सिडरीज, रिडक्शन इन शिपिंग कॉस्ट, प्रमोशन ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर होगा कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए है प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग डिस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यहाँ पे बेसिकली आपको ईयर्स बताने हैं। डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बाय द चंद्रशेखर गवर्नमेंट, करेक्ट आंसर होगा 91-92। रंगराजन कमेटी ऑन डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इसका करेक्ट आंसर होगा 1993। देन स्ट्रैटेजिक एंड नॉन स्ट्रैटेजिक क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा 1999। एंड फॉर्मेशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, इसके लिए है 1996। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड एंड द फॉलोइंग क्लेम्स नीड टू बी मेट आउट पीस मील ऑफ द कैश रियलाइज्ड, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दीज क्लेम्स हैव टू बी मेट? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देखो, सबसे पहले तो एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं डिसोल्यूशन के, फिर जो भी आउटसाइड क्लेम्स हैं बोथ पेबल एंड अक्रूड उनका पेमेंट करेंगे, देन कोई भी पार्टनर्स लोन है उनका पेमेंट करेंगे, एंड एट लास्ट कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस जो पार्टनर्स का होता है उसका पेमेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन प्रैक्टिस अकाउंटेंट्स कंसिडर रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स इफ अ ट्रांजेक्शन मीट्स द फॉलोइंग कंडीशंस: the seller has passed the legal or economic ownership, yes. The seller and the buyer have agreed on the price of the goods, yes. The buyer has paid the price of the goods, yes. Correct answer होगा D, all of the above। कि इन सारे केसेस होने पे ही हम रेवेन्यू को सेल्स की तरह कंसिडर करते हैं, क्योंकि सेल्स के लिए कंसिडर करना मतलब सिंपली क्या कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो। नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये किसके बीच में है? वेरिएबल ओवरहेड। नेक्स्ट, which of the following items is not an appropriation of profit for a limited company? Appropriation of profit and charge against profit में अंतर क्या होता है कि charge against profit मतलब आपको देना ही देना होगा, फिर भले ही मतलब वो expense आपको pay करना ही होगा, भले आपके पास profit हो या ना हो। बट appropriation of profit मतलब profit में से हिस्सा देना, ठीक है। तो corporate tax payable, ordinary dividend payable, debenture interest payable, preference dividend payable। debenture interest payable, अगर हम डिबेंचर इंटरेस्ट की बात करें तो इसका पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, फिर भले ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट हो या ना हो। अगर पैसा नहीं भी है तो भी पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सेंटर, और इस पर हमने कॉस्ट के क्लास में डिटेल डिस्कशन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस? अजम्पशन की बात किया है तो रैशनैलिटी होती है, यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल भी होगा बट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? नेगेटिवली स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी होता है, बट इंडिफरेंस कर्व नेसेसरली हैव टू बी पैरेलल। पैरेलल होना जरूरी है क्या? नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अगेन आपको दो लिस्ट दी है, दोनों को मैच करना है। सबसे पहला है इंक्रीज इन डिमांड। अब अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो नो डाउट ये क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जब आप सेम डिमांड कर्व में मूव करते हो डाउनवर्ड और अपवर्ड, तो एक को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और एक को एक्सपेंशन कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। देन हमारा क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड डिमांड ऑफ वन कमोडिटी विद चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ अनदर रिलेटेड कमोडिटी। एंड जॉइंट डिमांड क्या हो गया, डिमांड ऑफ मोर देन वन कमोडिटी टू सेटिस्फाई वन स्पेसिफिक वांट। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये कहाँ खत्म होगा, ये खत्म होगा मार्शल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम जीरो एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी इज पॉजिटिव पे। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, कह रहा है टीआर और टीसी की वैल्यू दी है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट आपको बताना है। तो प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, टीआर माइनस टीसी। मेरे पास टीआर की वैल्यू दी है, टीसी की वैल्यू दी है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट करनी है, टीआर माइनस टीसी। अब देखो टीआर की वैल्यू क्या है, 480Q माइनस 8Q का स्क्वायर, और टीसी की वैल्यू है 400 प्लस 8Q स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 480Q माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 16Q स्क्वायर और माइनस 400, ठीक। तो अब बोथ साइड अगर डिफ्रेंसिएशन कर दें Q के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू क्या आएगी, DP डिवाइडेड बाई DQ इज इक्वल टू 480 माइनस 32Q। डिफ्रेंसिएशन में तो किसको प्रॉब्लम होगी नहीं, एंड क्योंकि हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है तो इसकी वैल्यू में क्या लेनी होगी, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू 480 माइनस 32Q, और हम कह सकते हैं 32Q इज इक्वल टू 480, और फर्दर सॉल्व करने पे Q की वैल्यू आएगी 15। तो कितने आउटपुट पे मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट, 15 यूनिट्स पे। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, From a population with mean of 220 and a standard deviation of 30, a sample of 36 was drawn at random. Calculate the standard error of the sampling distribution. अब अगर हम लोग बात करें standard error की, तो standard error के लिए formula standard deviation divided by under root n. Standard deviation दिया है 30 and under root of n. n मतलब क्या हो गया, number of observation. तो under root 36 और further solve करेंगे तो आएगा 30 divided by 6. और करेक्ट आंसर आएगा 5, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। हमने सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन किया है। नेक्स्ट, अ कमिटी ऑफ 6 पीपल इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मेन एंड 4 वुमेन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव एग्जैक्टली 2 वुमेन। अब एग्जैक्टली 2 वुमेन है तो नो डाउट अगर हमें 6 लोगों की कमेटी बनानी है तो 7 मेन में हम कितने लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वुमेन में हमें लेना है एग्जैक्टली 2 और डिवाइडेड बाय ओवरऑल कितने हैं 7 प्लस 4 11 सी 6। बस इसको आप सॉल्व कर लेना और इसको होपफुली सबको सॉल्व करना आता होगा। अगर नहीं सॉल्व करना आता होगा तो बताना कमेंट बॉक्स में, हम इसका डिटेल आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर आएगा 5/11 और 0.4545, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर होगा ए 22.2, और इसका डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट, फॉर अ हाइपोथेसिस टेस्ट अल्फा दिया है, बीटा दिया है, द पावर ऑफ दिस टेस्ट इज। अब हाइपोथेसिस टेस्ट की पावर की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 1 माइनस बीटा, और क्योंकि मेरे पास बीटा दिया हुआ है 0.10 माइनस कर देंगे 1 से तो आंसर आएगा 0.90, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। DSS इज यूज बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, DSS applies to mostly structured problems, and DSS relies on mathematical models for analysis. DSS is largely heuristic based. No, first, second, third statement correct है और fourth statement incorrect है। Next, हमारे पास again reason and assertion दिया हुआ है, कह रहा है strategies necessarily need to be changed over time to suit environmental changes. Yes, to remain competitive, organizations develop those strategies that create values for customer. दोनों statement correct है। Next, which one of the following is not true about proactive planning? Way of thinking about managing the future risk, ये सही है, anticipating future contingencies, reacting to external events, ये correct नहीं है, क्योंकि proactive planning के time हम लोग कभी भी एक्सटर्नल इवेंट्स को कंसिडर नहीं करते या उस पर रिएक्ट नहीं करते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रोग्राम डिसीजंस. प्रॉब्लम्स आर यूनिक एंड नोवेल. देर आर नो प्री एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज और प्रोसीजर्स टू रिलाई ऑन. कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है. द कंडीशंस फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस आर हाईली सर्टेन. ये कभी भी सर्टेन नहीं होते. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर. नॉन डाइवल्जिंग ट्रेड सीक्रेट्स टू कॉम्पिटिटर्स. नेक्स्ट, which of the following is suggested by Blake and Moulton as a best leadership behavior? High concern for both people and production, कि आपको लोगों को और प्रोडक्शन दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा. Which segment approach is most compatible with the spirit of the marketing concept? Benefit sought, income, social class और family size. Correct answer होगा benefit sought. Next, which of the stages of new product development process can be skipped? Process analysis, आइडिया स्क्रीनिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, टेस्ट मार्केटिंग. अब देखा जाए तो ये सारे के सारे स्टेजेस तो हैं, बट इनमें से आप जो स्किप कर सकते हो वो है टेस्ट मार्केटिंग. और जो ओवरऑल स्टेप्स हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो है आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, कमर्शलाइजेशन एंड रिव्यू ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस. Next, the price setting method which most closely corresponds to the concept of product positioning is cost plus pricing, going rate pricing, perceived value pricing. Correct answer होगा C. Next, the most important retail marketing decision a retailer has to make is to select the product assortment, identify its target market. अब retailer है तो retailer तो direct customer को sell करेगा, तो पहले उसको अपना target market समझना होगा कि वो अपना product कहाँ sell करना चाहता है. Which element of promotion mix do wholesalers primarily use? Advertising? No. Wholesalers use करते हैं personal selling. Next, out of the following alternative methods of project evaluation and selection used in capital budgeting, which one of the combination in the code correspond to discounted cash flow methods? Internal rate of return है, payback period नहीं है, profitability index है, net present value है, discounted cash flow method. तो correct answer होगा B. Next, when the expected level of EBIT exceeds the indifferent point for two alternative financial plans, that is equity financing and debt financing, तो उस केस में the use of debt financing would be advantageous to increase EPS. करेक्ट है. अगर आपका EBIT ज़्यादा है expected level से, तो उस केस में ना debt financing आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी comparatively equity financing के. तो correct answer होगा A. Which one of the following is not the assumption of irrelevance theory of dividend model? नो पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ये तो अजम्पशन है. डिविडेंड पॉलिसी हैज़ इट्स इफेक्ट्स ऑन फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये अजम्पशन नहीं होता. तो करेक्ट आंसर होगा बी. अगेन आपको मैच करना है. सबसे पहले है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो मिनिमम लेवल ऑफ एबिट नीडेड टू सेटिस्फाई ऑल फिक्स्ड चार्जेस, क्योंकि फाइनेंस की बात की है, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज की बात कर रहा है. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, analysis to study relationship among fixed cost, variable cost, sales volume and profit. Internal rate of return, rate of discount at which NPV क्या आएगा, zero, and net operating income approach. Cost of capital remain the same for different degrees of financial leverage. Correct answer होगा A. Next, आपके पास assertion and reason दिया है. The focus of working capital management revolves around managing the operating cycle of the working capital. Yes, it is because the concept is useful to ascertain the requirement of cash to meet the operating expenses of a going concern. देखा जाए तो दोनों statement correct है, but reason क्या correct explanation है assertion का? No. तो correct answer होगा A. Next, which of the following terms includes the tasks, duties, responsibilities of a particular job? No doubt job analysis. Match the following. सिंपल रैंकिंग का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ रेटिंग फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट. पेयर्ड कंपैरिजन, कंपेयरिंग रेटिंग्स टू वन अनदर. 360 डिग्री अप्रेजल, इवैल्यूएशन ऑफ सुपीरियर्स, पीयर्स एंड सबॉर्डिनेट्स. एंड ग्राफिक रेटिंग, स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटेटिव रेटिंग. करेक्ट आंसर होगा ए. In which method of performance appraisal the evaluator keeps a written record of significant events and how difficult employees behave during such events? Written कहाँ होता है? CIA में, that is critical incidents method में. In connection with HRD, that is human resource development, इसमें से क्या incorrect है? कि ये reactive function है, ये तो correct है. develops total organization, focuses on autonomous work groups, but it is an integrated system. ये correct नहीं है, correct answer होगा D. In which method of training job conditions are duplicated with equipments and machines which are identical with those used at the workplace? Vestibular training. Next, which one of the following techniques is used by the commercial banks in India to measure the risk arising from trading activities? Value at risk methodology. Which of the following schemes introduced by NABARD is intended to provide credit to farmers? Farmers को credit कहाँ दिया जाता है? किसान credit card में. Which one of the following is a recent e-banking initiative in commercial banks in India? NECS. बाकी सब पहले से exist करता था. Which of the following fee-based services are provided by IDBI? Fee-based है कि जहाँ पैसा लेकर के आपको service दी जाती है. Credit syndication, yes. Corporate trustee services, yes. Custodial services, foreign services. Correct answer होगा A. कि third को छोड़ के बाकी सारी fee-based services IDBI की तरफ से दी जाती है. Next, SIDBI provides financial assistance in the following forms: bills financing, project financing, refinance assistance और resource support to institution. इसका correct sequence होगा refinancing assistance, then bills financing, then resource support to institutions and last one is project financing. इसका correct answer होगा C. Next, BOP, that is balance of payment. Problems in India cannot be attributed only to large trade deficit, increase in invisible surplus. Arrange the stages in anti-dumping investigation process in right sequence. आपको इसको right sequence में लगाना है. सबसे पहले होता है preliminary screening, फिर होगा rejection of unsubstantiated information, then initiation, then permitting the exporting countries to modify the practices, provisional findings and last one is final findings and measures. तो correct answer होगा D. Next, a situation where any advantage given by one member of WTO to another member is extended to all WTO members. इस पूरे process को हम कहते हैं most favored nation. The collapse of which of the following system is related to the Triffin Paradox, Bretton Woods. And आज का last question है, which of the following is the assumption of law of one price? Restriction on the movement of goods between countries, ये assumption नहीं है. No transportation cost, no tariffs. Correct answer होगा C. कोई भी transportation cost और कोई भी tariffs हम नहीं लेते हैं. कब? जब हम law of one price apply करते हैं. तो ये दोनों basically इसका assumption है. Clear? ये overall next 50 MCQs से, जो कि again exam point of view से बहुत relevant है. ये हमने सारे subjects से questions deal किए हैं, तो ये सारे questions आप अच्छे से practice कर लेना. अगर किसी भी question में doubt हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हो. And अगर आपको आज का session पसंद आया है तो वीडियो को like, comment, share ज़रूर करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग नेक्स्ट 50 MCQs पर डिस्कशन करेंगे. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.